Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start some other antiviral agents like acyclovir. If we talk about acyclovir is basically 9-2-hydroxyethoxymethyl-9-H-guanine. It is basically a guanosine derivative or analog, or it is also termed as ACV or Zuvirex. It is most effective in the series of acyclic nucleoside that possess antiviral effect. इट इज़ इनहिबिटर ऑफ वायरल डी एन ए सिंथेसिस. एक्चुअली हमारे पास जो ए साइक्लोविर है ये गोनासिन डेरिवेटिव है और गोनासिन एनालॉग है. एक्चुअली बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद द गोनासिन, इट टेक्स द प्लेस ऑफ गोनासिन इन द डी एन ए, एंड देयर फोर द फॉल्टी सिंथेसिस ऑफ डी एन ए वायरल डी एन ए अकर्स. And hence the whole replication of the DNA is inhibited. So ultimately the DNA synthesis is inhibited. Actually difference kya hai guanosine और ए साइक्लोविर में, कि जो गोनासिन है दैट हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर और अ साइक्लिक न्यूक्लियोसाइडिक स्ट्रक्चर, वाइल ए साइक्लोविर इज ए साइक्लिक. एज अ नेम इंडिकेट ए साइक्लोविर, ए मीन्स नॉन एंड साइकिल मीन्स साइकिल, नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है. और इट इज द इनहिबिटर ऑफ वायरल डी एन ए सिंथेसिस. और इंस्टेड ऑफ राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज शुगर विद प्यूरिन एंड पायरिमिडीन विच इज प्रेजेंट इन ट्रू न्यूक्लियोसाइड, हेयर द ग्रुप अटैच टू एन ओपन चेन शुगर ऑल्दो लैकिंग ओ एच ग्रुप्स. एज यू नो कि हमारे पास जो ट्रू न्यूक्लियोसाइड्स हैं इनमें क्या होता है, यहाँ तो राइबोज और डी ऑक्सी, अगर हमारे पास डी एन ए है तो उसमें डी ऑक्सी राइबोज शुगर अटैच होती है विद प्यूरिन और पायरिमिडीन जो बेसिस हैं उनके साथ, या फिर अगर आर एन ए है तो राइबोज शुगर अटैच होती है विद प्यूरिन एंड पायरिमिडीन के साथ. लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो शुगर प्रेजेंट है वो ओपन चेन शुगर है, और इसमें जो है ओ एच, एज यू नो कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में हमारे पास 3-हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे होते हैं, जबकि डीऑक्सी राइबोज में हमारे पास जो है सिर्फ जो है वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे जो है वो प्रेजेंट, थर्ड पोजीशन पे जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ दो डीऑक्सी राइबोज में जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जबकि राइबोज जो शुगर है उसमें हमारे पास 3-हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है. एज आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास जो राइबोज शुगर है उसमें हमारे पास 3-हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं जो कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे हैं, और डीऑक्सी राइबोज में हमारे पास 2-हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं जो कि प्रेजेंट है फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे. सेकेंड पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है. अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ओपन चेन शुगर है और जिसमें हमारे पास जो ओ एच ग्रुप है वो उनकी लैकिंग है, और वैसे भी हमारे पास जो राइबोज या डीऑक्सी राइबोज है साइक्लिक फॉर्म में, यहाँ पे ओपन चेन की फॉर्म में. अच्छा, इट इज ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट हर्पीज वायरस, ये सिर्फ और सिर्फ हर्पीज वायरस के अगेंस्ट आप यूज करते हैं. इसके अलावा दे आर मोस्ट इफेक्टिव, मोस्टली दे आर एक्टिव अगेंस्ट HSV-1 देन HSV-2 जो हर्पीस वायरस की टाइप है HSV-1 उसके अगेंस्ट ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू HSV-2. अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इज दैट इट डज नॉट प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन अनइन्फेक्टेड ह्यूमन सेल्स. ए साइक्लोविर इज हाईली हाईली सिलेक्टिव अगेंस्ट द वायरस वायरल डी एन ए देन द अनइन्फेक्टेड ह्यूमन सेल्स. एक्चुअली होता क्या है कि ए साइक्लिक न्यूक्लियोसाइड जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू इन्फेक्टेड सेल्स वेयर इट इज सेलेक्टिवली फॉस्फोराइलेटेड बाय वायरल थायमिडीन काइनेज. क्या होता है कि जो वायरल थायमिडीन काइनेज है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है, किसको, ए साइक्लिक न्यूक्लियोसाइड दैट इज ए साइक्लोविर, और ये ट्रांसपोर्ट इट इज ट्रांसपोर्टेड टू इन्फेक्टेड सेल, और वहाँ पे जो है वो वायरल थायमिडीन काइनेज के थ्रू ये कन्वर्ट होता है मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में, और देन जो फर्दर फॉस्फोराइलेशन होती है वो थ्रू होती है होस्ट सेलुलर इंजाइम काइनेज,
और ये कन्वर्ट होता है ट्राई फॉस्फेट फॉर्म में. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्राई फॉस्फेट फॉर्म जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसाइड होती है, ठीक है. उसमें के बाद क्या होगा, ये इनकॉर्पोरेट होगा किसमें, डीएनए में. जब ये इनकॉर्पोरेट होगा तो इंस्टेड ऑफ गोनोसिन तो आपके पास जो है वो फॉल्टी डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होगा, ठीक है. और इट हैज 100 times मोर एफिनिटी फॉर वायरल डीएनए पॉलीमरेज देन फॉर ह्यूमन पॉलीमरेज. क्या है कि इसकी जो ये जो है वो इफेक्टिव है, इसके इट इज 100 times मोर इफेक्टिव फॉर वायरल डीएनए पॉलीमरेज देन फॉर ह्यूमन पॉलीमरेज. दैट्स व्हाई इट इज हाईली सिलेक्टिव अगेंस्ट दी वायरल डीएनए. और बेसिकली जो ये पूरी इनहिबिशन है, एक्चुअली ये इनहिबिट कर रहा होता है वायरल डीएनए पॉलीमरेज को. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बेसिकली क्लीव कर रहा होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड का, और इंश्योर कर रहा होता है कि करेक्ट न्यूक्लियोसाइड जो है वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए डीएनए में, ठीक है. और जब यही इनहिबिट हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा कि गुआनोसिन की जगह पे आपके पास ई साइक्लोवर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जो कि आपके पास क्या है, एंटीवायरल ड्रग है. तो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो डीएनए सिंथेसिस या डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो ब्लॉक हो जाएगी, और इस तरह से जो है ये ड्रग अपना एंटीवायरल इफेक्ट शो करेगी. अच्छा जी, ओरल डोजेज फॉर्म, सॉरी, ओरल डोजेज फॉर्म इज इफेक्टिव फॉर जेनाइटल हर्पीज और शिंगल्स एंड चिकन पॉक्स, वाइल आईवी फॉर्म जो है वो इज इंडिकेटेड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स फॉर द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एपिसोड्स. अच्छा जी, इसके अलावा जो इंजेक्टेबल फॉर्म है वो अवेलेबल है इन दी सोडियम सॉल्ट एंड सप्लाइड एज इन द फॉर्म ऑफ लाइफोलाइज पाउडर. जो इंजेक्टेबल फॉर्म है वो सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में अवेलेबल है, और इसको जो सप्लाई किया जाता है जिस डोजेज फॉर्म में, वो लाइफोलाइज पाउडर. अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है ए साइक्लोवीर का. एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास प्यूरीन रिंग है. अच्छा, प्यूरीन रिंग जो है बेसिकली, अगर आपके पास पायरिमिडीन रिंग है, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि पायरिमिडीन रिंग इज एन एरोमेटिक रिंग विद टू नाइट्रोजन विच आर प्रेजेंट एट द मेटा पोजिशन. दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज मेटा टू अकॉर्डिंग टू दिस नाइट्रोजन. तो ये क्या कहलाएगा, ये पायरिमिडीन रिंग कहलाएगा. अच्छा, ये जो पायरिमिडीन रिंग है, अगर इसको फ्यूज किया जाए इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग इज बेसिकली अ पेंटासाइक्लिक रिंग, पेंटासाइक्लिक रिंग विद एरोमेटिसिटी एंड हैज टू नाइट्रोजन एट द मेटा पोजीशन. तो ये क्या कहलाएगा, ये इमिडाजोल रिंग होगा. अब इमिडाजोल रिंग और पायरिमिडीन रिंग फ्यूज टूगेदर टू मेक प्यूरीन रिंग. और अगर जो है यहाँ पे आपके पास सेकेंड पोजिशन पे, इस प्यूरीन रिंग की सेकंड पोजीशन पे आपके पास क्या अटैच हो, अमीनो ग्रुप अटैच हो, और यहाँ पे आपके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये ग्वानीन स्ट्रक्चर कहलाएगा. सॉरी, ये क्या कहलाएगा, ये ग्वानीन स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है. और ग्वानीन स्ट्रक्चर अगर डीऑक्सी राइबोज या राइबोज के साथ कंबाइन होगा तो ये कहलाएगा, डीऑक्सी जो राइबोज शुगर है उसके साथ कंबाइन होकर कहलाएगा ग्वानोसिन, ठीक है. ग्वानीन इज जस्ट अ नाइट्रोजन बेस एंड ग्वानोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड मीन नाइट्रोजन बेस विद अ डीऑक्सीराइबोज शुगर. एंड इफ इट हैज इफ नाइट्रोजन बेस एंड डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर इज प्रेजेंट अलोंग विद द फॉस्फेट ट्राई फॉस्फेट ग्रुप देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है. अच्छा जी, ये आपके पास हो गया प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ये प्यूरीन हो गया, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये ग्वानीन है. और यहाँ पे देखिए ये है आपके पास ओपन चेन शुगर जो कि है 2-हाइड्रोक्सी इथॉक्सी मिथाइल मोइटी, ठीक है. अच्छा जी, और ये जो 2-हाइड्रोक्सी इथॉक्सी मिथाइल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एंटीवायरल इफेक्ट, एंड दैट्स वाई दिस इज नोन एज ड्यू टू दिस ओपन चेन शुगर ड्यू टू दिस ओपन चेन शुगर दिस इज नोन एज ए साइक्लोविर. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव रिबाविरिन. रिबाविरिन इज अ प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग. ये भी प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है विद अ मॉडिफाइड बेस एंड अ डी ऑक्सी शुगर, डी ऑक्सी राइबोज शुगर. यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास डी ऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट है,
और यहाँ पे आप देखें कि जब हम बोल रहे हैं कि डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है और आपके पास जो है अगर राइबोज शुगर होती तो यहाँ पे तीनों जगह पे आपके पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता, लेकिन ये डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज में हमारे पास सिर्फ दो पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशंस पे ओएच ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है विद मॉडिफाइड बेस। मॉडिफाइड बेस का मतलब क्या है, यानी कि ये देखेंगे ये प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड है लेकिन यहाँ पे पायरिमिडीन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, क्यों, उसकी जगह हमारे पास क्या प्रेजेंट है, विद मॉडिफाइड बेस। मॉडिफाइड बेस का मतलब ये है कि इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच है, मॉडिफाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है, जो कि क्या करेगा इसकी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक इट मोर रिएक्टिव अगेंस्ट दी वायरस, ठीक है। मॉडिफाइड बेस का मतलब ये है कि इसमें कोई एडिशनल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इसको क्या कर रहा है, मोर रिएक्टिव बना रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी ऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। ये बेसिकली इनहिबिट कर रहा होता है रेप्लिकेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ आरएनए एंड डीएनए वायरस। एक्चुअली रिबावरिन हैज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम और दैट्स व्हाई इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट अ वैरायटी ऑफ आरएनए एंड डीएनए वायरस। और ये क्या है, ये फॉस्फोराइलेट होता है विद द हेल्प ऑफ एडिनोसिन काइनेज टू द ट्राइफॉस्फेट फॉर्म, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द इनहिबिशन ऑफ वायरल स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज इन केस ऑफ आरएनए वायरस, और इन केस ऑफ डीएनए वायरस इट इनहिबिट द डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, एज आई टोल्ड यू कि आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा होता है, आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली कॉपी कर रहा होता है सीक्वेंस ऑफ डीएनए टू मेक द आरएनए स्ट्रैंड एंड देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये क्या कर रहा होता है, जो डीएनए की जो सीक्वेंस है उसको कॉपी कर रहा होता है टू द आरएनए सीक्वेंस, और एज अ टेम्पलेट उसको यूज कर रहा होता है टू मेक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और क्या होता है कि अगर आपके पास वायरल स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा कि आपके पास जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होगी, और देन फर्दर जो आरएनए सिंथेसिस है वो नहीं होगी इन केस ऑफ आरएनए वायरस। और अगर डीएनए वायरस है तो आपके पास जो डीएनए एज अ न्यूक्लिक एसिड जो सिंथेसिस है वो ब्लॉक हो जाएगी डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ब्लॉक हो जाएगा और इस तरह से ये अपना एंटीवायरल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इट्स एरोसोल फॉर्म इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये जो है ये सीवियर लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज होता है। इसके अलावा क्योंकि इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए बी हर्पीज जूस्टर और मीजल्स एक्यूट हेपेटाइटस ए बी एंड सी, उसके अगेंस्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एंटीवायरल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। रिबावरिन को विराजोल भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ट्रायाजोल रिंग है, इफ द पेंटासाइक्लिक रिंग विच इज एरोमेटिक विद द नाइट्रोजन विद थ्री नाइट्रोजन, टू नाइट्रोजन जो है वो आपके पास प्रेजेंट होंगे ऑर्थो पोजीशन पे और एक नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होगा आपके पास मेटा पोजीशन पे, और ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज ट्रायाजोल रिंग। इफ पेंटासाइक्लिक रिंग विच इज एरोमेटिक विद थ्री नाइट्रोजन टू आर प्रेजेंट एट ऑर्थो, दिस नाइट्रोजन इज ऑर्थो टू दिस बट दिस नाइट्रोजन इज मेटा टू दिस, एंड इफ लुक एट दिस नाइट्रोजन एंड दिस इज मेटा टू दिस, दो नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन जो है अगर इस नाइट्रोजन के हिसाब से देखें तो ये मेटा पोजिशन पे, अगर ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट से देखें तो ये भी मेटा पोजिशन पे है, यहाँ पे कोई भी पैरा पोजिशन पे नहीं प्रेजेंट। और यहाँ पे अगर ये वाला नाइट्रोजन देखें इस नाइट्रोजन के तो ये प्रेजेंट है ऑर्थो पोजिशन पे, लेकिन अगर हम इस वाले नाइट्रोजन को इस तरफ से देखें तो ये आपके पास क्या है, ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा, लेकिन अगर हम इस नाइट्रोजन को इस तरह से देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, ये मेटा पोजीशन है, ठीक है। बट अगर हम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो ये मेटा है, और अगर हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो ये इसके
जो एन टू है, अगर 3 4 5 पे देखें तो ये आपके पास पैरा पोजिशन पे है, और ये आपके पास क्या है, अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है. अमाइड ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट फॉर द एक्टिविटी ट्रायाजोल रिंग एंड डी ऑक्सीराइबोज. दीज थ्री आर दी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर फॉर रिबावरीन टू प्रोड्यूस द एंटीवायरल इफेक्ट. देन वी हैव, अच्छा जी, यहाँ पे हम लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी वायरस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब हम जो है वो एंटी रेट्रो जो रेट्रो वायरस के अगेंस्ट हम ड्रग्स यूज करते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स, उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंटी रेट्रो वायरल ड्रग्स को. और वो जो एक्चुअली रेट्रो वायरस होता क्या है, रेट्रो वायरस इज द वायरस विच हैज एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स आरएनए टू डीएनए. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेट्रो वायरस. ठीक है, तो जो एचआईवी है वो बेसिकली मेजर टाइप है किसकी, रेट्रो वायरस की. इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे एचआईवी वायरस की, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें एक जो मेजर स्टेप है जो कि चेंज है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वायरस लाइफ साइकिल इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में अगर आप देखें, जनरल ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये हो रहा होता है कि डीएनए कन्वर्ट हो रहा होता है मैसेंजर आरएनए में, और देन वो मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस मैसेंजर आरएनए. वो ट्रांसलेट होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होती है आपके पास. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है कि वायरल आरएनए कन्वर्ट हो रहा है डीएनए में. ठीक है, अच्छा, लाइफ साइकिल ऑफ एच आई वी वायरस जब हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि एच आई वी की जो साइकिल है वो बिगिन कब होती है, जब वायरल एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन दैट इज GP120 अटैचेस टू द CD4 रिसेप्टर ऑन द टी लिम्फोसाइट्स ऑफ द होस्ट सेल. क्या होगा जब आपके पास वायरल एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन जो कि GP120 है वो अटैच होगा किसके साथ, CD4 रिसेप्टर के साथ, और ये CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे किसके ऊपर, होस्ट सेल के जो लिम्फोसाइट है टी लिम्फोसाइट उन पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. क्या होगा, सबसे पहले ये उस पे अटैच होगा बाय द इन्फ्यूजन, और उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ एचआईवी टू द सेल सरफेस बाय एंडोसाइटोसिस, और क्या होगा कि वायरल आरएनए और एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होंगे साइटोप्लाज्म में ऑफ द होस्ट सेल. देन वहां पे क्या होगा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो क्या करेगा, वो वायरल आरएनए को यूज करेगा और क्या बनाएगा, फर्स्ट एंड ऑफ वायरल डीएनए एंड देन कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए स्ट्रैंड. उसके बाद जो नॉर्मल आपके पास उसके बाद क्या होगा कि जो वायरल डीएनए है वो मूव करेगा टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल और इंटीग्रेट करेगा होस्ट सेल डीएनए में बाय द इंटीग्रेज एंजाइम. यहाँ पे जो इंटीग्रेज एंजाइम है उसके थ्रू क्या होगा, वायरल डीएनए मूव करेगा टू द न्यूक्लियस ऑफ सेल और इंटीग्रेट होगा इंटू द होस्ट सेल डीएनए. ठीक है, और उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा. ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए में क्या होगा कि जो वायरल आरएनए है सबसे पहले मैसेंजर आरएनए आपके पास फॉर्म होगा, और देन दिस वायरल उसके बाद आपके पास जो प्रोटीन सिंथेसिस है बाय द ट्रांसलेशन प्रोसेस वो होगी. दिस वायरल आरएनए सर्व एज द जीनोम फॉर न्यू वायरस एंड कैन बी यूज्ड एज मैसेंजर आरएनए टू प्रोड्यूस वायरल प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन बाय राइबोसोम. ठीक है, ये जो वायरल आरएनए ही सर्व होगा एज अ जीनोम फॉर द न्यू वायरस और कैन बी यूज्ड एज मैसेंजर आरएनए टू प्रोड्यूस दी वायरल प्रोटीन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस बाई यूजिंग बाई दी हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि एक और इंजाइम जो कि वायरल प्रोटीज इंजाइम है वो क्या करेगा, जो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स बन चुके हैं, जो प्रोटीन के एक्चुअली जो वायरल प्रोटीन पार्ट्स बनेंगे वो एक्चुअली दे फॉर्म इन दी लाइक दे आर फॉर्म्ड इन दी फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन. ये क्या होंगी, ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होंगी जो कि नॉन फंक्शनल होंगी. ये कन्वर्ट होंगी टू दी दे आर कन्वर्टेड इन टू फंक्शनल प्रोटीन बाय दी प्रोटीएज एंजाइम एंड देन गो टू दी रिस्पेक्टिव साइट. क्या होगा कि ये जो प्रोटीज एंजाइम है ये क्लीव करेगा जो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन पार्ट्स बन चुके हैं उनको कन्वर्ट करेगा फंक्शनल प्रोटीन में. ठीक है, और उसके बाद ये देखिए क्रिएट दी मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस और रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस कॉजेज हार्म टू दी मैक्रोफेजेस.
वहां पे क्या होगा, जब ये जो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मैच्योर इन्फेक्शन इन्फेक्शियस वायरस में, दैट इज द फंक्शनल फॉर्म। ठीक है, पहले जो है ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में की फॉर्म में प्रेजेंट थे जो कि नॉन फंक्शनल फॉर्म थी, लेकिन जो प्रोटीज का एंजाइम है वायर प्रोटीज, उसने क्या किया है कि इनको स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट किया है जो कि इसकी इन्फेक्शियस फॉर्म है। और उसके बाद क्या होंगे कि दे आर रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस, और फिर क्या करेंगे कि ये जो है हार्म करेंगे किसको, मैक्रोफेजेस को। ठीक है, उसके बाद वी हैव, अब हम आते हैं एंटी रेट्रोवायरल एजेंट। पहले हमने इसका बैकग्राउंड देखा कि व्हाट इज रेट्रोवायरस एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द एचआईवी लाइफ साइकिल। अब एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स क्या होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू कि रेट्रोवायरस मींस दैट द वायरस व्हिच हैज एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स आरएनए टू डीएनए, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज एचआईवी वायरस। ठीक है, एचआईवी वायरस इज द रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड देयर इज नो परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर द एड्स। एड्स का कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बट द पेशेंट कैन सर्वाइव मोर, लेकिन पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर सकता है इफ अर्ली डायग्नोसिस हैज बीन टेकन प्लेस। और इनिशियल जो इसका ट्रीटमेंट है दैट इंक्लूड इनहिबिशन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड एचआईवी प्रोटीज। जो इनिशियल जो ट्रीटमेंट है एड्स का या एचआईवी का, वो उस दो बेसिक जो है वो टारगेट्स है। पहला टारगेट जो है इनहिबिशन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड सेकेंड इज एचआईवी प्रोटीज इनहिबिशन। द ड्रग इनहिबिटिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटरफेयर्स विद द रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी। जो ड्रग्स जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनहिबिट कर रही हैं, और अल्टीमेटली आपके पास क्या हो रही है, रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी स्टॉप हो रही है। और जब रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी स्टॉप हो रही है तो इसका मतलब है आपके पास सिम्टम्स जो एड्स के सिम्टम है वो भी क्या होंगे, वो भी आपके पास खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा कि जो सिंथेसिस ऑफ इन्फेक्टिव वायरल पार्टिकल है वो भी इनहिबिट होगी। एक्चुअली होता क्या है कि एड्स में हमारे पास जो हम बोल रहे हैं ना ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो होस्ट का ऑल्टर्ड हो जाता है, वीक हो जाता है, और सिम्टम्स जो है वो एड्स के अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। लाइक जिसमें हमारे पास हाई फीवर है, वेट लॉस है, लिम्फेडिनोपैथी है, क्रॉनिक डायरिया है, मायल्जिया है, फटीग है, नाइट स्वेट्स हैं, ये सब क्या ही एड्स के सिम्टम्स हैं। ठीक है, जब आप ये एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स यूज करेंगे तो ये तब सब जो सिम्टम्स हैं ये सबसाइड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जो एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स हैं दे आर क्लासिफाइड इन टू, इनको हमने क्लासिफाई किया है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड एचआईवी प्रोटीएज इनहिबिटर। व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर को हम एनआरटीआईज भी कहते हैं। एनआरटीआईज मींस न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। दे बेसिकली कम्पीट विद दी नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोसाइड। जो एनआरटीआईज हैं, एज अ नेम इंडिकेट के न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो कि कम्पीट होते हैं विद द नेचुरल अकरिंग जो न्यूक्लियोसाइड है उनके साथ कम्पीट करते हैं, और क्या करते हैं कि इनकी जो इनकॉर्पोरेशन है इनटू वायरल डीएनए उसको प्रिवेंट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है उसमें जो नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोसाइड इनकॉर्पोरेट होने होते हैं, ये जो एनालॉग्स हैं दे आर बेसिकली सिंथेटिक न्यूक्लियोसाइड्स। ये क्या करते हैं, ये उसकी जगह पे इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे तो आपके पास जो अब कोई भी स्पेस नहीं है जहाँ पे जाके जो नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोसाइड हैं वो अटैच हों, और जब वो नहीं अटैच होंगे तो आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, आरटी एंजाइम एम्बेडेड विद द एनआरटीआई न्यूक्लियोसाइड एनालॉग इनटू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, नाउ नेचुरल न्यूक्लियोसाइड कैन नो लॉन्गर बी एडेड टू दी ग्रोइंग वायरल डीएनए, जो कि मैंने आपको पहले बताया। सो दी वायरल डीएनए चेन इज टर्मिनेटेड। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सिंथेटिक एनालॉग है इनमें हमारे पास थ्री हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं होता। थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्यों प्रेजेंट है, ये इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि ये 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है डीएनए जो चेन इलोंगेशन है वो होती है। तो क्योंकि इनमें 3 प्राइम हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि
डीएनए प्रोपगेशन नहीं हो पाती और जो वायरल डीएनए चेन टर्मिनेशन है वो होती है, और चेन टर्मिनेशन होने की वजह से आपके पास जो वायरल डीएनए है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाता, ठीक है। और सो एचआईवी डीएनए इज नॉट फुली फॉर्म्ड एंड कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द इनटू द डीएनए ऑफ द होस्ट सेल, और इस तरह से जो एचआईवी साइकिल है वो इनहिबिट हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ एनआरटीआईस, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ वायरल डीएनए अंडर द डायरेक्शन ऑफ आरटी रिक्वायर्स, क्योंकि अगर हम जनरली बात करें तो वायरल डीएनए की जब सिंथेसिस हो रही है होती है इन द एचआईवी साइकिल, तो आपके पास जो है प्यूरीन पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द वायरल डीएनए सिंथेसिस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3-हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव नहीं होता है न्यूक्लियोसाइड में, तो आपके पास जो ग्रुप बनता है वो आपके पास डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बनता है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि 3-हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और आपके पास जो ड्रग बनती है वो होती है डाई डी ऑक्सी एडीनोसिन, ठीक है। और इसको जब हमारे पास डाइडेनोसिन, इसको हम डाइडेनोसिन भी कहते हैं, डाइडेनोसिन इज दी प्रो ड्रग। अदर डेरिवेटिव आर डाइडीऑक्सीसाइटोडीन। अगर आपके पास साइटोसिन है तो अगर आप उसमें से 3-हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो आपके पास केवल ड्रग फॉर्म होगी, और इसके अलावा आपके पास बनेगा डाइडीहाइड्रो आईडीऑक्सीथायमिडीन, ठीक है। ये आपके पास अगर थायमीन होगा तो ये वाली न्यूक्लियोसाइड होगा तो आपके पास नाइट्रोजन बेस होगी विद दी डीऑक्सीराइबोज जो है, आपके पास थायमिडीन न्यूक्लियोसाइड जब बनेगा, अगर आप उसमें से 3-हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव कर देंगे तो आपके पास बनेगा डाई डी हाइड्रो आई डी ऑक्सी, क्या बनेगा, डाई डी ऑक्सी थायमिडीन, ये आपके पास बनेगा इन केस ऑफ थायमिडीन न्यूक्लियोसाइड जब आप रिमूव कर देंगे 3-हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ 3-डीऑक्सी विद एन एजाइडो ग्रुप, अगर हम एजाइडो ग्रुप को ऐड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 3-डीऑक्सी, तो आपके पास जो ड्रग बनेगी वो होगी 3-एजिडोथायमिडीन एंड 3-एजिडोयूरिडीन, बट दे आर नो लॉन्गर यूज एज ड्रग जो आपके पास हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ 3-डीऑक्सी विद एजिडो ग्रुप, अगर आपके पास 3-एजिडोथायमिडीन है या 3-एजिडोयूरिडीन है, दे आर नो लॉन्गर यूज एज ड्रग नाउअडेज। और देन वी हैव नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इनको हम NNRTIs भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक्टिवेट होता है तो NNRTIs जो हैं दे बाइंड विद द नॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम, एंड जब वो बाइंड हो जाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ की नॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ, तो क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एंजाइम दैट इज रेडी टू कन्वर्ट वायरल आरएनए टू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। एट दिस स्टेज जब एनएनआरटीआईज बाइंड होंगे तो क्या होगा, ये द एंजाइम इज नो लॉन्गर कैपेबल टू कन्वर्ट आरएनए टू डीएनए, और इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपके पास जो प्रिवेंशन है आरएनए की डीएनए में कन्वर्ट होने की वो इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। आरएनए जो है वो डीएनए में जब कन्वर्ट नहीं होगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगी जो एचआईवी इन्फेक्शन साइकिल है वो ब्लॉक हो जाएगी। जो एनएनआरटी रिसेंटली एफडीए हैज अप्रूव्ड मेनी ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड एज एनएनआरटीआईज एंड दे आर जनरली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एनआरटीआईज। व्हाई दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, बिकॉज they are used as monotherapy is limited because of rapid onset of resistance and hypersensitivity reaction. We can't use them as monotherapeutic agent. Or basically, jo NNRTIs hain, they are designed on the basis of protein structure based drug design. ठीक है, according to the protein structure based drug design, इन drugs को जो है वो design किया गया है, ठीक है, और they are generally used in combination with NRTIs. अच्छा, देन वी हैव एच आई वी प्रोटीज इनहिबिटर, इनको एच आई वी पी आई भी कहते हैं,
क्योंकि ये प्रोटीज के इंजाइम को एचआईवी प्रोटीज इंजाइम को इनहिबिट कर रहे होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन वायरस एंड ट्रांसलेटेड इनटू डिफरेंट प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। क्या हो रहा होता है कि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो जो मैसेंजर आरएनए के डिफरेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं वायरस में, वो क्या करते हैं, वो ट्रांसलेटेड होते हैं इनटू डिफरेंट प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो कि बनते हैं नॉन फंक्शनल फॉर्म में, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन कोर फॉर्म, दैट इज पॉलीपेप्टाइड फॉर्म। अब जो इसेंशियल स्टेप है वायरल रेप्लिकेशन में, वो क्या है कि जो प्रोटीज इंजाइम है वो क्लीव करता है नॉन फंक्शनल लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड को इनटू स्मॉलर सब यूनिट दैट इंडीड आर फुली फंक्शनल, जो कि फुली फंक्शनल होती हैं, जो कि इन्फेक्शन कॉज करती हैं। तो एचआईवी प्रोटीज इज एंजाइम व्हिच इज एसेंशियल फॉर वायरल ग्रोथ एंड दैट मीडिएट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ कोर प्रोटीन इनटू स्ट्रक्चर प्रोटीन। जो एचआईवी प्रोटीज एंजाइम है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली मीडिएट कर रहा है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द कोर प्रोटीन, और वो क्या कर रहा है, इन जो कोर प्रोटीन या नॉन फंक्शनल प्रोटीन है उनको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, स्ट्रक्चर प्रोटीन या फंक्शनल प्रोटीन में। अच्छा, दी स्ट्रक्चर प्रोटीन इज P7, P9, P17 एंड P24 प्लेइंग रोल इन इन्फेक्टिव एचआईवी। दे आर बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ पोल जीन, दैट इज पोल जीन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है जो कि इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि रोल प्ले कर रहे हैं इन्फेक्टिव एचआईवी में, दे आर P7, P9, P17, P24, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ पोल जीन। अच्छा, एचआईवी जीनोम कंटेन वेरियस रीजन डेजिग्नेटेड एज जीन्स सच एज गैग एंड गैग पॉल जीन दैट आर ट्रांसलेटेड एज पॉली प्रोटीन एंड फॉर्म इमेच्योर वायरल पार्टिकल्स। वो कौन कौन से जीन्स हैं, गैग गैग पॉल जीन। ठीक है, प्रीकर्सर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड हैं, नाउ दे आर क्लीव बाय अ वायरल पॉल इनकोडेड एज पार्टिक प्रोटीनेज टू फॉर्म द डिजायर्ड स्ट्रक्चर प्रोटीन ऑफ द मेच्योर वायरल पार्टिकल। अब क्या होगा, ये कन्वर्ट होंगे किसमें, मेच्योर वायरल पार्टिकल में। और एचआईवी प्रोटीज जो है ऑल्सो एक्टिवेट्स आरटी एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ इन्फेक्शियस वायरस। एचआईवी प्रोटीज क्या कर रहा है, जो मेच्योर वायरल पार्टिकल्स हैं उनको रिलीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्लीव करता है पॉलीपेप्टाइड को इनटू स्मॉलर स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स में। सो द इनहिबिशन ऑफ पॉल जीन एंड प्रोटीज एंजाइम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे प्रिवेंट पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग। क्या होगा कि अगर आप इनको इनहिबिट करते हैं तो आपके पास पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग जो है वो इनहिबिट होगी, और बडिंग ऑफ इमेच्योर वायरल पार्टिकल फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल, ये भी आपके पास क्या होगी, बडिंग जो कि रिलीज है वायरल पार्टिकल की फ्रॉम दी रिलीज जो हो रही है वायरल पार्टिकल की इनटू द होस्ट सेल्स, वो क्या कहलाए, वो बडिंग कहलाती है आपके पास। तो आपके पास क्या होगा, बडिंग भी इनहिबिट हो जाएगी। दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स प्रूव टू बी मेजर ब्रेक थ्रू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ आरटी इनहिबिटर। ये जो ड्रग्स हैं जो कि आपके पास एचआईवी प्रोटीज इनहिबिटर हैं, दे हैव प्रूव्ड एज मेजर ब्रेक थ्रू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एच आई वी, और दे आर यूज इन कॉम्बिनेशन विद आर टी इनिबिटर। एच आई वी प्रोटीज इनिबिटर आर डिजाइंड एज ट्रांजिशन स्टेट मेमेटिक्स दैट अलाइन एट द एक्टिव साइट ऑफ एच आई वी प्रोटीज। असल में ये होते क्या है, ये ऑलिगोपेप्टाइड लाइक एनालॉग हैं, और इसके अलावा जो सेलेक्टिवली इनिबिट करते हैं वायरल प्रोटीज को, दे आर पेप्टाइडो मेमेटिक। पेप्टाइडो मेमेटिक का मतलब ये है कि दे आर दी स्ट्रक्चर विच आर लाइक प्रोटीन, बट दे आर लाइक दे मिमिक दी पेप्टाइड। ठीक है, दे आर दी स्मॉलर प्रोटीन चेन विच मिमिक दी पेप्टाइड। और इसके अलावा आपके पास नॉन पेप्टाइड कंपाउंड भी होते हैं ये बाय द स्ट्रक्चर, एंड दे इनहिबिट द गैग पॉल जीन, सो इन्फेक्शन बाय एचआईवी इज आल्सो डिमिनिश्ड। क्या होगा, जब आप इस जीन को इनहिबिट करें तो आपके पास जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है P7, P9, P17, P24, ये नहीं बन पाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इन्फेक्शन बाय एचआईवी जो है वो डिमिनिश हो जाएगा। अच्छा, दी प्रोटीज इनहिबिटर ब्लॉक दी फंक्शन ऑफ प्रोटीज एंजाइम। क्या है कि एज आई हैव टोल्ड यू कि जो प्रोटीएज इनहिबिटर हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीएज एंजाइम को, और देयर फोर दे ब्लॉक द क्लीवेज ऑफ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू फाइनल फंक्शनल यूनिट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास जो असेंबली है वायरल प्रोटीन्स की वो नहीं हो पाएगी, और दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फुली इन्फेक्टेड वायरसेस।
अल्टीमेटली आपके पास जो एचआईवी वायरस है आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव अ लुक ऑन द इंडिविजुअल एंटी वायरल एंटी रेट्रोवायरल एजेंट दैट आर एनआरटीआईज, एनएनआरटीआईज और एचआईवी पीआई इनहिबिटर. ठीक है, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़.